Hello friends, welcome. In this video, we are going to discuss another way to capture date and time from the client. In my previous video, I have discussed date picker and time picker with you. So, date picker और time picker दोनों हमने discuss किया और हमने देखा कि अलग अलग तरीके से हम represent कर सकते हैं client को कि वो हमें capture करके दे date और time. जनरली हम एडिट व्यू में भी टाइम और डेट इनपुट ले सकते हैं, क्लाइंट टाइप करके हमें दे सकता है, लेकिन इसमें क्लाइंट से गलती होने के चांसेस है. ओके, गलती से वो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे डिफरेंट फॉर्मेट में डेट इनपुट कर दे, या फिर गलती से कोई इनवैलिड डेट इनपुट कर दे. इसलिए यहाँ पे जो प्री डिफाइन डेट व्यू और टाइम व्यू, मतलब कि डेट पिकर और टाइम पिकर है, उसका यूज़ करके केवल क्लाइंट को सिलेक्ट ही करना है, उसको कुछ इनपुट नहीं करना है. अगर हम डेट पिकर का यूज़ करते हैं तो क्लाइंट के सामने एक कैलेंडर ही प्रस्तुत होगा कि जिसमें से वो कोई भी वैलिड डेट सिलेक्ट कर सकता है. उसी तरह से टाइम पिकर भी हमने देखा कि एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइम हम डिस्प्ले कर सकते हैं क्लाइंट को, दोनों तरह से कैप्चर भी ले सकते हैं टाइम क्लाइंट के पास से. ओके, तो ये दोनों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अगर हम टाइम पिकर और डेट पिकर का यूज़ करते हैं तो स्क्रीन पे अपने लेआउट पे वो काफ़ी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है. तो ऐसे केसेस में सपोज़ कि आपने कोई डेटा एंट्री फॉर्म बनाया है जिसमें आप क्लाइंट से उसकी बर्थ डेट, या फिर एम्प्लॉय फॉर्म है तो उसकी ज्वाइनिंग डेट एट्सेट्रा आप इनपुट लेना चाहते हो, तो ऐसे डेटा एंट्री फॉर्म में काफ़ी और चीज़ें भी होंगी जो आप इनपुट लेना चाहोगे क्लाइंट से. तो उस लेआउट में अगर ये आप डेट पिकर रखते हो तो वो काफ़ी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा. तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, आपने भी बहुत सारे डेटा एंट्री फॉर्म फिलअप किए होंगे कंप्यूटर में भी और मोबाइल में भी, तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए कि क्लाइंट को हम एक लेआउट रिप्रेजेंट करें और उसमें बहुत सी चीज़ें हम उससे इनपुट लेंगे और जहाँ पे डेट हमें इनपुट लेनी है वहाँ पे केवल एक छोटा सा बॉक्स ही होगा अपने एडिट व्यू की तरह मान लो, और उस पर क्लिक करने से ओपन होगा डेट पिकर, या अगर टाइम इनपुट लेना है तो टाइम पिकर ओपन होगा. उसमें से क्लाइंट कोई भी डेट या टाइम सेलेक्ट कर ले और फिर ओके करें, मतलब कि वो टेक्स्ट बॉक्स जो है या एडिट व्यू उसमें वो टाइम सेलेक्ट होके आ जाए, मतलब कि जगह भी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी और जो टाइम पिकर और डेट पिकर जनरली जगह ऑक्यूपाई करते हैं उतनी ऑक्यूपाई नहीं होगी, तो हमारा लेआउट भी छोटा लगेगा, कंसाइज लगेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा. अगर हम डेट पिकर और टाइम पिकर को रखते हैं उस जगह पे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्लाइंट को स्क्रॉल करना पड़ेगा. कुछ ही फील्ड्स है अगर आपके फॉर्म में, मतलब कि जो आप क्लाइंट से इनपुट करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, वो डेटा में फील्ड्स बहुत कम है, 7, 8 या 10, फिर भी स्क्रॉलिंग उसमें आ जाएगा बिकॉज कि डेट पिकर और टाइम पिकर बहुत जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा विकल्प है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमने पिछले कुछ लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है डायलॉग्स. हमने डायलॉग के अलग अलग प्रकार एंड्रॉयड में कौन कौन से है ये डिस्कस किया था. तभी हमारे सामने दो ऐसे डायलॉग बॉक्स आए थे, डेट पिक करने के लिए डेट पिकर डायलॉग और टाइम पिक करने के लिए टाइम पिकर डायलॉग. तो उन्हीं दो डायलॉग्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि क्लाइंट के पास से हम जिस जगह पे डेट इनपुट लेना चाहते हैं उस जगह पे क्लाइंट जब पहुंचेगा, फोकस उसका उस व्यू पे जब जाएगा, तब वहाँ पे डेट पिकर को हम डेट पिकर डायलॉग को हम शो करेंगे. उसमें से क्लाइंट सिलेक्ट करेगा जो डेट उसको सिलेक्ट करनी है वो, और फिर उस टेक्स्ट बॉक्स या एडिट व्यू में वो डेट सिलेक्ट होके आ जाएगी. सेम थिंग विल हैपन विद द टाइम पिकर डायलॉग ऑल्सो. तो लेट अस सी अ स्मॉल सिंपल एग्जांपल जहाँ पे हम केवल क्लाइंट से दो चीज़ इनपुट लेंगे कम जगह ऑक्यूपाई करके. ओके, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरी एक्टिविटी 9 है कि जो फ़िलहाल एम्प्टी है, और इसका जो लेआउट है ये उसका लेआउट है. इस लेआउट में इनिशियली जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसको मैं चेंज करके
लीनियर लेआउट रखता हूँ, ठीक है। और लीनियर लेआउट जो मैंने रखा है तो उसका ओरिएंटेशन मैं सेट करूँगा वर्टिकल, ओके। और इसके बाद हम एक एडिट टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। एडिट टेक्स्ट, ओके। उसका ब्रेप कंटेंट विथ, उसका हाइट भी ब्रेप कंटेंट, उसको आईडी देना पड़ेगा बिकॉज कि हम उसकी कोई इवेंट को हैंडल करेंगे, ओके। उसको आईडी मैं देता हूँ फॉर डेट, ओके। और उसमें हिंट भी रखते हैं जिससे क्लाइंट को पता चले, सिलेक्ट अ डेट और सिलेक्ट योर बर्थ डेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन फॉर विच यू आर कैप्चरिंग रिक्वेस्टिंग इनपुट फ्रॉम द क्लाइंट, सिलेक्ट योर बर्थ डेट, ओके। नाउ लेट अस सी इट इन द लेआउट डिजाइन, ओके। वी नीड टू सेट मार्जिन्स, ओके। वी नीड टू सेट मार्जिन, आई विल सेट 20 dp. वी शुड ऑल्सो सेट टेक्सटाइल इफ वी थिंक सो, देन टेक्स्ट साइज 25 dp. वी कैन ऑल्सो एडिशनली सेट टेक्स्ट कलर इफ रिक्वायर्ड, इट इज टेकिंग सम टाइम। ये एक एडिट टेक्स्ट लेंगे हम डेट के लिए, ओके। और क्या करेंगे, जब इस एडिट टेक्स्ट में क्लाइंट क्लिक करता है जिसमें हमने हिंट रखा है सिलेक्ट योर बर्थ डेट, ओके, उस पे क्लाइंट जब क्लिक करता है तब हम डेट पिकर डायलॉग को शो करेंगे। और उस डेट पिकर डायलॉग में बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेट हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें सेट करेंगे करंट डेट एंड टाइम, ओके। और ऐसा करने के लिए हम कैलेंडर क्लास की जो कोर जावा का क्लास है java.util.calendar उसका यूज़ करेंगे। और इनिशियली क्लाइंट को जो करंट डेट और डेट डिस्प्ले की जाएगी उसमें से क्लाइंट चेंज करके, मतलब जो भी उसको ईयर मंथ और डे सिलेक्ट करना है वो कर सकता है, ओके। तो वो जो भी डेट टाइम सिलेक्ट करेगा वो हमें इनपुट मिल जाएगा, here text color is equal to, suppose we will select a blue dark, okay, okay। अब अभी केवल हम एक डेट के लिए करते हैं, ठीक है, फिर टाइम के लिए भी करेंगे। ये एक्टिविटी का लेआउट है, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट को हमें रिट्रीव करना होगा कि जो हमने फॉर डेट ऐसा रखा है तो इसको भी फॉर डेट रखते हैं, ठीक है। और फॉर डेट एडिट टेक्स्ट एंड फाइंड व्यू बाय idr.id.forDet, ओके। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट व्यू पे जिसको हमने नाम दिया है फॉर डेट
सेट ऑन इम्पोर्ट, ओके, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ओके, और उसकी एक मेथड ओवरराइड हो जाएगी पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक, मतलब इस एडिट टेक्स्ट पे जब क्लाइंट क्लिक करेगा तो ये मेथड रन होगी। हमें डेट पिकर डायलॉग शो करना है, डेट पिकर डायलॉग का ऑब्जेक्ट मैं लेता हूँ, डेट पिकर डायलॉग। अब ऑन क्लिक करने से देखो, एक हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं, गेट एप्लीकेशन रन टेक्स्ट क्लिक, ओके, जस्ट वी आर चेकिंग वेदर दिस मेथड इज कॉल्ड और नॉट। ओके, सो लेट्स ट्राई, बट बिफोर दैट वी नीड टू सेट दिस एक्टिविटी एज लॉन्चर, एक्टिविटी 9, ओके, ओके, लेट अस रन इट। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है क्योंकि एक्टिविटी फर्स्ट टाइम रन हो रही है। वी आर रनिंग अगेंस्ट बैटरी, पावर इज नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी, एंड कोई बात नहीं, ओके, देर इज सम प्रॉब्लम इन सम अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 8, सो लेट मी कमेंट ऑल थिंग्स इन दिस एक्टिविटी, ओके, ओके, इट वॉज अनदर एक्टिविटी इन विच द प्रॉब्लम अकर्ड, सो द एक्टिविटी इज लॉन्च्ड,
एंड इट इज जून 2020, द नेम ऑफ द एप्लीकेशन. Okay, now clicking on this edit. Text. Toast is displayed. Okay, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने टॉस्ट को डिस्प्ले किया है उसी तरह से हमें डेट पिकर को डिस्प्ले करना है, डेट पिकर डायलॉग को. बट उसके पहले हमें एक कैलेंडर का ऑब्जेक्ट लेना है, कैलेंडर. ओके, विच विल गिव अस द करंट डेट एंड टाइम. ओके, टू रिट्रीव द ऑब्जेक्ट ऑफ कैलेंडर द मेथड इज गेट इंस्टेंस बिकॉज इट हैज़ नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल. ओके, नाउ इंटीजर डे इज इक्वल टू, वी हैव मेथड अवेलेबल इन कैलेंडर क्लास गेट मेथड वेयर वी हैव टू पास सम प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ दिस डे ऑफ मंथ. ओके, दिस क्लास, इफ यू रिमेंबर, कैलेंडर क्लास हैज़ मेनी प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल विच रिप्रेजेंट a particular field of calendar and time. Okay, so another variable month to represent month of month encapsulated by current calendar object month. Okay, and yet another variable year for storing the current year, which is represented by current calendar object. Okay, yeah. In this way we have all these three values available, day, month and year. अब ये तीनों values हमें set करनी है किस में, डेट पिकर डायलॉग में. कैसे, ये देखिए डेट पिकर डायलॉग, आपको शायद याद होगा किस तरह से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेट पिकर डायलॉग. अब उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होती है हमें, देखिए सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो उसमें आएगी वो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, वहाँ पर हम एक्टिविटी का रेफरेंस पास करेंगे, मेन नाइन एक्टिविटी डॉट दिस. सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है उसमें वो क्या है, ऑन डेट लिसनर, ऑन डेट सेट लिसनर, तो हमें वो पास करना है, ऑन डेट सेट लिसनर. ओके, बट उसको हमें इस तरह से तो पास नहीं करेंगे. कैसे पास करेंगे, ये एक लिसनर है वो भी हम अप्लाई कर रहे हैं एनोनीमसली. न्यू डेट पिकर डायलॉग डॉट ऑन डेट सेट लिसनर दिस, शायद आपको याद आ गया होगा कि ऐसा हमने पहले किया हुआ है. देखो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो डेट पिकर डायलॉग पे जो इवेंट हैंडल होती है उसको लिसन करने के लिए डेट सेट लिसनर का, मतलब कि जब भी इस डेट पिकर में कोई डेट सेट की जाती है तब ये लिसनर उसको लिसन करेगा और उसकी ये मेथड कॉल होगी ऑन डेट सेट. मतलब कि जब ये डेट पिकर डायलॉग शो होगा तो क्लाइंट उसमें कोई डेट सिलेक्ट करेगा, जैसे ही कोई डेट को वो सिलेक्ट मतलब कि सेट करता है तब ये मेथड कॉल होगी ऑन डेट सेट. और हमें क्या करना है, जो डेट क्लाइंट ने सेट की है वो हमें एडिट टेक्स्ट में शो कर देनी है, मतलब डिस्प्ले करनी है. अब देखो ये जो मेथड है यहाँ पे शुरू हुई कंस्ट्रक्टर डेट पिकर डायलॉग का, वो ख़त्म हो रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट उसका, यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है. ठीक है, तो कोमा करके तीन आर्ग्यूमेंट्स और भी हमें लिखनी है. देखो ईयर, मंथ और डे, तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, ईयर, मंथ और डे. ठीक है, और इसके अंदर हमें एडिट टेक्स्ट में वैल्यू सेट करनी है, तो एडिट टेक्स्ट को रिट्रीव हमने कर लिया है जिसका नाम फॉर डेट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर डेट, फॉर डेट डॉट सेट टेक्स्ट. ओके, क्या करेंगे वहाँ पे, सबसे पहले डे, देखो क्लाइंट ने जो भी डेट सेट की है वो हमें यहाँ पे मिली है, डे ऑफ मंथ, फिर मंथ एंड ईयर, हमें वो यहाँ पे केवल डिस्प्ले करना है, जो भी फॉर्मेट आपको ठीक लगे या फिर आपने क्लाइंट को जिस फॉर्मेट में कैप्चर इनपुट करने को कहा है वो आप रख सकते हो. स्ट्रिंग है इसलिए मैं शुरू करता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, फिर डे ऑफ मंथ प्लस मंथ प्लस ईयर. ओके, और
इतना करने के बाद फाइनली ये डेट पिकर डायलॉग का ऑब्जेक्ट आपका बन गया। ओके, उसको आपको शो करना होगा, डेट पिकर डायलॉग डॉट शो, जिससे क्लाइंट को ये दिखे और क्लाइंट सिलेक्ट करे उसमें से पर्टिकुलर डेट। रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये कैलेंडर ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं डेट सेट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ 10, करंट मंथ 10 जून 2020। तो देखो आउट, अब मतलब ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है 10/5/2020। आपसे कहा था पहले कि ये डेट पिकर डायलॉग जो है वो मंथ की काउंटिंग ज़ीरो से शुरू करता है, तो कहने का मतलब जनवरी को वो ज़ीरो नंबर देता है। देखो यहाँ पे हम अगर जनवरी मंथ पे जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं 1 जनवरी 2020, ओके, देन सी 1/0/2020, तो मंथ में ज़ीरो आया। इसका मतलब कि हमारे लिए तो मंथ शुरू होता है 1 से, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो मंथ हमें मिला है डेट पिकर डायलॉग के द्वारा उसमें प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं चलेगा ना कि ज़ीरो मतलब जनवरी। सेलेक्ट करेंगे, अब देखो 10 जून, ओके आ गया। तो ये था दोस्तों डेट कैसे सेलेक्ट करवाए क्लाइंट से, डेट कैसे इनपुट ले, अच्छा है। और दूसरा एक एडिट व्यू लेंगे अब, जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था टाइम सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर टाइम, उसको नाम क्या देंगे हम, फॉर टाइम, वेरी सिमिलर टू दी प्रीवियस वन, और कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। टाइम डेट पिकर डायलॉग का यूज़ किया, यहाँ पे टाइम पिकर डायलॉग का सिलेक्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका लेआउट देख लीजिए, ओके। अब एक्टिविटी में जाके जैसे कि यहाँ पे डेट पिकर यूज़ किया है तो टाइम पिकर डायलॉग का यूज़ करेंगे, टाइम पिकर। और दूसरी चीज़ कि वो दूसरा एडिट टेक्स्ट है, तो दूसरा एडिट टेक्स्ट भी हम यहाँ पे लेंगे फॉर टाइम, ओके। और यहाँ पे उसको रिट्रीव भी करेंगे, फॉर टाइम इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट और फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट फॉर टाइम। अब ये इनवैलिडेट करना पड़ेगा कि क्या फॉर टाइम नाम दिया है, फॉर टाइम, ओके, यहाँ पे फॉर टाइम नहीं आ रहा है, फॉर टाइम इनवैलिडेट करेंगे कैश को तो ही आएगा, उसके लिए मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बट अभी मैं वो नहीं चाहता रिस्टार्ट करना, तो देखते हैं अगर आ जाता है तो इतना टाइम बचेगा हमारा, ओके फॉर टाइम। अब जैसा हमने ये फॉर डेट के लिए किया है उसी तरह से फॉर टाइम के लिए भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। फॉर टाइम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ओके। अब इसकी मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, ऑन क्लिक को किया हमने, फिर इसमें भी हमें इसी तरह से कैलेंडर को रिट्रीव करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड्स लेंगे हम वो होगा आवर और क्या होगा मिनट, सेकंड्स उसमें नहीं रखनी है अपने को,
और वेरिएबल के नाम भी मैं चेंज करके यहाँ पे आवर और क्या रखूँगा, मिनट। ओके, अब जाके टाइम पिकर डायलॉग को क्रिएट करना है। टाइम पिकर डायलॉग इज इक्वल टू न्यू टाइम पिकर डायलॉग, पहली आर्गुमेंट जैसा कि हमने वहाँ पे भी पास की थी, एक्टिविटी का रेफरेंस, बिकॉज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली रिट्रीव नहीं कर सकते, ये एक एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए। सेकंड आर्गुमेंट ऑन टाइम सेट लिसनर, जैसे उसमें डेट सेट लिसनर था, यहाँ पे टाइम सेट लिसनर, जब भी क्लाइंट कोई टाइम सेलेक्ट करता है इसमें, ओके, ये लिसनर उसको लिसन करने के लिए हमने रखा है, ठीक है। देखो उसकी ये मेथड ऑन टाइम सेट, जैसे कि डेट पिकर में ऑन डेट सेट थी, यहाँ पे ऑन टाइम सेट। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डेट सेट की है, जो टाइम सेट किया है, वो हम यहाँ पे फॉर टाइम डॉट सेट टेक्स्ट में सेट करेंगे। आवर और मिनट, आवर यहाँ पे हमें मिल रहा है, आवर ऑफ डे, आवर ऑफ डे, उसमें कॉन्केट करेंगे कॉलन और फिर उसमें मिनट, ओके। और इतना करने के बाद आपको फाइनली टाइम पिकर डायलॉग को शो करना है, ओके। लेट्स सी, इट इज गिविंग सम टाइम पिकर डायलॉग, कैनॉट रिजॉल्व कंस्ट्रक्टर, या हमें इस कंस्ट्रक्टर में और भी आर्ग्यूमेंट्स पास करनी है कि जो हमने नहीं आवर और डे, आवर और मिनट और इस 24 आवर, ओके, ट्रू, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, सिलेक्ट टाइम, हाँ आया, ये आपका एनालॉग क्लॉक, इसमें टाइम सेट करते 10:00 ठीक है 30 मिनट, ओके 10:30, और यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, ओके। एंड जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम टाइम सेट करते हैं, ओके 6:32, और डिजिटल क्लॉक में अगर जाए तो यहाँ पे देखिए, ये हमने सेट किया है टाइम 6:33, ओके ओके। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आता है एम पी एम का, लेकिन ये 24 आवर क्लॉक है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। शाम को 6:33, यहाँ पे आप फॉल्स रखते हो, फॉल्स, तो इट विल बी 12 आवर क्लॉक, मतलब कि उसमें एएम और पीएम भी आएंगे जब क्लाइंट टाइम पिकर डायलॉग को सेट करेगा
ओपन करवाएगा क्लिक करके, तब ठीक है। देखिए ये AM PM का ऑप्शन आ गया, PM सिलेक्ट करते 2:35, 24 आवर क्लॉक्स में यहाँ पे दोपहर के 2:34 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लाइंट से डेट और टाइम इनपुट ले सकते हैं। आपने भी ये बहुत सी एप्लीकेशंस में देखा होगा, आप भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, उसके मोबाइल आपके पास एंड्रॉयड OS वाले मोबाइल्स होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी एप्लीकेशन आती ही होगी जिसमें आप डेट टाइम इनपुट करते हो। देखो यहाँ पे हम उसका इनपुट टाइप भी सेट कर सकते हैं, टाइम, उसी तरह से ये वाला डेट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लाइंट से डेट टाइम इनपुट ले सकते हैं कि जो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। इस तरह से इनपुट लेना जगह भी कम ऑक्यूपाई करता है और क्लाइंट से गलती से भी गलती ना हो जाए, मतलब गलती से भी वो गलत टाइम या डेट हमें इनपुट ना दे दे। ओके, ये हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ सिलेबस की एप्लीकेशन आपसे डिस्कस करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।